सत्य दया धर्म को भूलकर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा, और जिस पैसे के पीछे भाग रहा वो पैसा जब मरेगा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। सबको पता है, सबको पता है, रत्ती भर कोई ना ले गया। बताओ सनावत में कोई आदमी ले गया? कफन में जेब बनवा के रखा होगा कुछ? सब यहीं रह गया। क्या गया संग? अच्छे कर्म संग गए। मैंने आपके साथ, अब देखो मैं सनावत से 7 दिन बाद चला जाऊंगा, मैं यहां आया ही जाने के लिए हूं। ऐसे ही आप लोग भी इस संसार में आए ही जाने के लिए, जैसे मैं आया हूं जाने के लिए। अब मैं 7 दिन बाद जब जाऊंगा, जब मैं 7 दिन बाद जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा यहां की गई अच्छाई या बुराई रह जाएगी। मैं तो चला जाऊंगा पर मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा की गई अच्छाई या फिर बुराई वो यहां रह जाएगी। उसी तरह आप और हम सब चले जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा की गई अच्छाई भी रह जाएगी और बुराई भी रह जाएगी। अब ये आपको देखना है कि आपको अच्छाई छोड़कर जाना है। रावण चला गया, भगवान राम भी लीला पूरी करके चले गए, दोनों गए, लेकिन एक की बुराई रह गई, एक की अच्छाई रह गई। अब आपको भी जाना है, देख लो कि क्या छोड़कर जाओगे, अपने बच्चों के लिए क्या प्रेरणा बनकर जाओगे। स्वामी विवेकानंद चले गए पर कितना बढ़िया मैसेज छोड़कर गए। झांसी की रानी मर गई, चली गई, लेकिन जाने के बाद भी समाज को कितना बढ़िया मैसेज, कितनी बढ़िया प्रेरणा देकर गई। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सब महापुरुष आए और सब चले गए, कौन बचा? कौन बचा है? आप में से, हम में से कौन रहेगा? पर जाने के बाद जमाना आपको अच्छा कहे। हरिश्चंद्र चले गए लेकिन आज तक दुनिया उन्हें सत्यवादी कहती है। कर्ण चले गए, आज तक दुनिया उन्हें दानवीर कहती है। आपके गांव में, आपके शहर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 साल पहले मर चुके होंगे, पर उनके नाम की दुहाई आज तक कुछ लोग देते हैं, देखो ऐसे थे वो। तो क्या याद की जाती है? उनके द्वारा की गई अच्छाई। इसलिए आप सब जाएंगे एक दिन, अच्छाई अपने बाद अच्छाई की खुशबू छोड़कर जाइएगा। अपने परिवार के लिए आप प्रेरणा बन के जाइएगा, समाज के लिए आप प्रेरणा बनकर जाइएगा।